नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कैप्शन आपने पढ़ी होगी, इनविजिबल मेट्रो इन जम्मू। मेंबर पार्लियामेंट बयान देते हैं कि जम्मू में जो है लगभग मेट्रो ट्रेन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो शिलान्यास तक नहीं हुआ, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये लग रहा है कि मेट्रो के जो इनविजिबल पुल हैं ये वही खड़े हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए प्रताप सिंह जम्वाल और हमारे साथ बानू जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रताप, क्या लगता है आपको, इतने बड़े लोकसभा को मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल दिया कि लगभग यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, 2024 तक जो है यहाँ पर मेट्रो दौड़ना शुरू हो जाएगी, लोग अब इमेजेस भी डालना शुरू हो गए इनविजिबल मेट्रो इन जम्मू, क्या लगता है आपको, मेट्रो क्या चल पाएगी कभी यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लिए सिर्फ एक ही लाइन आती है सामने, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स है वो उनके लिए ना एक लाइन बड़ी अच्छी है, नवाबी और फ्राडी। ये संसद में जाते हैं नवाब बन के, बन जाते हैं नवाबी, तो जब जनता की बात करनी हो तो बन जाते हैं फ्राडी, क्योंकि जनता के साथ सिवाय फ्राड के इन्होंने कुछ नहीं किया। रही बात जो मेट्रो की, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये वही पिलर हैं जहां आर्टिफिशियल लेक बनी थी। अब हमें उम्मीद जाग गई है, क्योंकि संसद एक मंदिर है जहाँ पे लोगों के भविष्य का फैसला किया जाता है, देश की प्रगति और उन्नति का फैसला किया जाता है। अब हमें ये उम्मीद जाग रही है कि इन पिलर्स के ऊपर जल्दी ही पटरी बिछेगी और शायद जहाँ से मेट्रो दौड़ेगी और जहाँ तक इन्होंने एम्स तक पहुँचाने की बात की है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो शिलान्यास कहाँ पे है जहाँ पे मेट्रो का इन्होंने शिलान्यास किया था कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो चलेगी, खासकर जम्मू में। और मुझे बहुत देखने में आज कभी कभी ये मंशा होती है कि चलो हम विरोध तो करें इस बात का कि इन्होंने झूठ बोला संसद में, लेकिन विरोध करने के लिए कहाँ पे जाए, वो शिलान्यास क्या है वो नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जिस मंदिर में इन्होंने झूठ बोला है तो इसे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये धर्म की राजनीति और सिर्फ मुझे लगता है जातिवाद की राजनीति करते हैं, और लोगों के विकास के लिए इनके पास कोई भी परियोजना या किसी तरह का भी कोई संकल्प है ही नहीं। प्रताप, मेंबर पार्लियामेंट एक बहुत बड़ी पोस्ट है, यानी कि बड़े बहुत ज़्यादा जो लोग हैं विश्वास करते हैं फिर जाके एक मेंबर पार्लियामेंट बनता है, और मेंबर पार्लियामेंट का इस तरह से बयान आना, चलिए ये बोल सकते हैं टंग स्लिप होगी, और पढ़ के बोल रहे थे, यानी कि उनको किसी ने लिख के दिया था कि ये चीज़ यहाँ पूरी होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लिख कर भेज रही है और भी डाटा बहुत सा भेज रहे, जम्मू कश्मीर में बहुत खुशहाली है, बहाली है, क्या वो इसी बराबर तोलेंगे कि जिस तरह मेट्रो इनविजिबल है खुशहाली बहाली भी इस तरह से डोगरी चकाव आधे चोरा गवाह डड्डू इतने गल ही, चोर भी आपू है तो गवाह भी डड्डू है, दो इक्के थाली दे चट्टे बटे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जी इस टाइम वो कम करा करती नरेंद्र मोदी हुंदे इशारे उपर, तो उनका अपना बंदा पार्लीमेंट जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी ने ताल्लुक रखता, तो इन्हें सिर्फ दिखावे लई उहे एडमिनिस्ट्रेशन ही इहे ओ लोक है, और झूठ परोसे जा रहा था, और झूठ सुनने वाले भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो विपक्ष के लोग है वो ऑलरेडी तुसे दिखे कई मुद्दे पर ऑलरेडी उनका बायकॉट चला करता, कई इन्हें सस्पेंड किया, अपने लोगों ही अपनी बीन आपू गै बजाइया सुनिया कदे। बाकी बड़ी अजीब जी एक कहावत है, आधे टूटी हुई कश्ती से किनारा नहीं मिलेगा, मोदी की झूठी लहर में जीता हुआ MP दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं लभने हम, ये गैप होइए दे में इंदे उपर जरा अलादीन का चिराग आ, उस चिराग का एक एक बार सिमसिम होइए, दूई बार सिमसिम नहीं होना, इससे मेट्रो का झूठ भारतीय जनता की पार्टी की लेइए डुबी जाना, जिस रफ्तार कने मेट्रो चलती इस रफ्तार कने BJP इतू उड्डी जानी। प्रताप, मेट्रो की बजाय ये बोल देते हैं कि जो यहाँ पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उनके काम लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, ये एक चीज़ चलती थी, नाम ले लिया मेट्रो का और एक बार नहीं तीन चार बार लिया। देखो, ये फ्लाईओवर की गलते बानू और मेरे कन्या खड़ोते इंदे घरा दे कोल एक ग्राउंड है, ये बखूबी दसगन ओदे बारे ही, अमित शाह आंदा ते ग्राउंड की साफ सफाई सब कुछ चकाचक हो जाता, अमित शाह और जंदा उत्ते खड़ोने का मन नहीं करता, जो जानता गंद शहर का कट्ठा करिए उत्थे सुटे उसी प्ले ग्राउंड बनाना है इन्हें, तो बड़ी बदकिस्मती है कि इंदे जिहड़े प्रोजेक्ट में कागजें बच्चे चलते, वह एक ना पुराना गाना है तुसें अक्सर सुने होना, नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पैंसल नाल, एक गाना मिल लगा BJP वाले ले बिल्कुल फिट रहा, जम्मू कश्मीर के नसीब जेरे BJP लिखा दी, लेकिन वो लिखा दी कच्ची पैंसल कने। मानू जी, अमित शाह जी की यहाँ पर रैली हुई, 10,000 से ज़्यादा जो लोग थे यहाँ पर देखे गए, और सफाई चकाचक थी, स्टेज भी बहुत बड़ी बनाई गई, बारिश भी हुई थी फिर भी वहाँ पर रैली हुई, उसके बाद आज वहाँ पर टेम्पो स्टैंड बना दिया गया, वहाँ पर जो टिप्पर ट्रालीस है वो लगी है, एक तरफ ये कहते हैं कि जो रेत बजरी है उसको निकालने पर कानूनी जुर्म है, आप क्या कहेंगे, जो बच्चे वहाँ खेलते थे उनकी इस वक्त कहाँ खेलेंगे? सर, ये जो इन्होंने ये जो ग्राउंड का जो बुरा हाल किया है, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के जो यूथ है ना,
उसके साथ खिलवाड़ कर दिया है। बेसिकली जो ये ग्राउंड है आप जो बोल रहे हैं, अमित शाह की जब रैली आती है तब ये ग्राउंड चकाचक हो जाती है। तब इसलिए चकाचक होती है क्योंकि इनके ये मालदार पार्टी है भाई। पैसा लगाना है अमित शाह की रैली पे लगाना, उसने आना भाई रातों रात ग्राउंड को चकाचक कर दो, टेंट लगा दो। बारिश हुई थी, घुटने तक पानी था, फिर भी वो पानी साफ हुआ, रैली की गई बड़े अच्छे तरीके से की गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सुध-बुध लेने कोई नहीं आया, यहाँ पे बच्चे खेल नहीं पाते, यहाँ का यूथ है जो जम्मू का यूथ है वो जा रहा है नशे की तरफ, जम्मू का यूथ नशे की तरफ जा रहा है, चोरी चकारी की तरफ जा रहा है, वो फिट नहीं रह सकता। इन्होंने चीज और पूछूंगा इस ग्राउंड के लिए, इन्होंने ये बताया था कि ये ग्राउंड बन नहीं सकता, इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। क्या लगता है आपको जैसे एम एस स्टेडियम बंद कर दिया गया, बच्चों के खेलने की जो चीज थी वो सारी बंद कर दी, अब बच्चे जाए तो जाएगा या गेम पर फोकस करेंगे, या तो ये जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडरों के लिए रह गए, इनकी रैलियों के लिए रह गए? बेसिकली जो इन्होंने ग्राउंड का जो सॉइल टेस्ट की थी इंडोर स्टेडियम के लिए की थी, इन्होंने बोला जहाँ इंडोर स्टेडियम नहीं बन सकता, हमने बोला इनको आउटडोर स्टेडियम बनाओ, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में लिख के दिया था जो डीसी हमारे सिमरनजीत जी से, उन्होंने लिख के दिया, सत शर्मा तब यहाँ के एमएलए थे वो भी आए थे, उन्होंने भी लिख के दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई सुध-बुध नहीं ली गई। ये चाहते हैं सिर्फ जो लोग है ना, यूथ है ना, यूथ सिर्फ धर्म की राजनीति करे, क्योंकि हर चैनल पे आप देखो, हर चैनल पे मीडिया पे, मैं आपको नहीं कह रहा, जो नेशनल मीडिया है वो सिर्फ मोदी का गुणगान ही बताता है और कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ यूथ को बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, लेकिन ये नहीं पता कि मोदी की वजह से हमारा पूरा यूथ वो है कि खतरे में पड़ गया है। जम्मू कश्मीर की मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़े राज्य था, ये तब गुलाम नहीं रहा जब महाराज जब अंग्रेजों का टाइम था, इन्होंने डी ग्रेड ड्यूटी बना के यहाँ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको ये नहीं पता चल रहा लोगों को कि बीजेपी वालों को कि भाई कोई भी आता है, हमारा अमित शाह आ गया, रैली कर दी, हार डाल दी उसको, यहाँ पे तामझाम कर दी। तामझाम किसकी है, पैसे की? मैं भी यहीं पे रहता हूँ, जब मैंने वर्करों से पूछा जहाँ पे लड़के आए थे, मैंने बोला अभी क्या, कहता पता नहीं कौन आया है, मैं कितनी दिहाड़ी मिली है, कहते मिल गई 500 रुपये दिहाड़ी, खुद हिसाब लगा लो 500 रुपये दिहाड़ी लेके यहाँ पे उन्होंने 10,000 बंदों की रैली कराई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं चाहते कि यहाँ का यूथ स्वस्थ रहे, यहाँ का यूथ नशे की तरफ नहीं जाए, यहाँ पे ग्राउंड बननी चाहिए। हमने बहुत से प्रोटेस्ट भी किए लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जो रविंदर रैना जी हैं हमारे जो एमपी साहब हैं, जो उन्होंने बयानबाजी तो कर दी कि भाई मेट्रो चल गई, मेट्रो तो कहीं नहीं चली, सर मेट्रो आपकी चलनी नहीं है, उसका नींव पत्थर तो हमें दिख नहीं रहा। मैं आपको ये बोलता हूँ ग्राउंड तो बना दो कम से कम, थोड़ा सा यूथ अपना फिट रह सके और ठीक रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ कर सकती है, आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा कि बीजेपी का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो 25 सीटें बोल रहे पिछली वाली ली, इस बारी 50 पार, मेरे को लग रहा है एक दो भी ले गए बहुत बड़ी बात है, यूथ जाग गया है। मेरे को लग रहा है अगर वोट मांगने आए जूतों से ही स्वागत करेगा, यूथ ऐसे नहीं स्वागत करता। देखिए प्रताप जी एक बात और करूँगा, अमित शाह साहब यहाँ आए रैली की और ये बोल दिया कि जो यूथ है उसको नौकरी दी जाएगी। बात यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर यूटी में लागू हो चुका है। अगर लागू हो चुका है, जो एम्प्लॉयज़ इस वक्त धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी पोस्टी होम मिनिस्टर साहब यहाँ आके बोल गए, क्या मेंबर पार्लियामेंट ने जिस तरह बोला यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल गई, क्या लगता है मिलते जुलते सवालत, मिलते जुलती जुबान, टंग स्लिप होना? ये इन्हें दिनें भारतीय जनता पार्टी ठीक है जिन्हें इन्हें आखिर मिनिमम वेजेस एक्ट की तुसें गल की थी, इन्हें केह कीता लेबर कार्ड इशू करा दे, हुन इस वेले लेबर कार्ड इशू करा करदे नौजवान की असल बिच अमित शाह हुंदा आखना नौकरी नहीं आहा, वह आखना चाहते टोकरी दिया करने, अस नौकरी नहीं टोकरी दिया करते, क्योंकि जो लेबर कार्ड बना दे, लेबर कार्ड का मतलब बनाने का ही है कि नौजवान की असल में सियासत जी सच्चाई वो यही कि नौकरी नहीं, जिन्हें बस तुम टोकरी दिया करने तो तुम्हें लेबर कार्ड बना करते, जिस वेले प्रधानमंत्री झूठ बोली सकता, एक राफेल जेड़ा तुस तो डबल और त्रुनी कीमत में खरीदी सकते हो, झूठ बोली देश की, और फ्रांस वाले हैरान हो कि इन खूबियां असें पाई नहीं, राफेल में इन्नी खूबियां हिंदुस्तान में जंदियां हुई, ऐसा किरा आला दिन का चिराग हा। तो मैं लगा जिस वेला प्रधानमंत्री झूठ मारदा वह झूठ मारी सकते कि 15-15 लाख रुपया ना आया, तो नहीं ना इन्हें आखिया जेड़े पकौड़े असें सारे वापस लैने, आए तो नहीं ना इन्हें इतों धोड़ी आखी रहा कि असें 2 करोड़ नौकरियां साल आदि देनिया थोड़िया, तो नहीं ना इस वे जनाब जो उपराला झूठ मारा इंदा जो लीडर है, तो खल आए तो वैसे भी उ जो उन्हें एक थैले के चट्टे बटे इंटे को
झोला आया जिस झोले बच्च झूठे पुलाव कटी कटी मोदी साहब देंदे रहे हूँ अग्गे दिया कद जिस तरह संसद के अंदर झूठ बोलिया तो मी लगता यह झूठ एड्डा बड़ा गुनाह आया जिस धर्म की राजनीति ये करते जिस हिंदू मुसलमान की राजनीति करते जिस मंदिरों की राजनीति ये करते उस मंदिर उस धर्म ने इन्हें माफ़ नहीं करना। मी लगता यह झूठ की राजनीति ज्यादा आते ना डोरे झूठा के पैर नहीं होंगे तो इन्हें झूठा के भी पैर नहीं। मैं तुम्हें सुना जिस रफ्तार कन्नै मैट्रो चलती उस रफ्तार कन्नै भारतीय जनता पार्टी ने भी हुन छू कद उड्डिया ने लभने लुभने नियम ना कि जुगल किशोर ने जो बोलिया बिल्कुल मैं आखना बिल्कुल सही बोलिया कर रहा कि अमित शाह और ना वैसे भी उ बुलाते जरा इंदा मानू है तो यह बेचारा कुत्ते बोलना पंजी MLA पाकिस्तान जिंदाबाद सुनी आई है 20 पार्टियां करी आई है तो थोड़ा लगता कि जुगल किशोर संसद में सच बोली सकता उसी पता बाहर निकलते ढाई लैना उन्हें तो उन्हें भी बेचारे ने जान खलासी की। असल सच है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जम्मू कश्मीर के बछंदे ये बेचा कदे झूठ मारा कदे जिसी लोग कदे बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए मैं फिर से एक बार बोल दूँ कैप्शन में वही था मेट्रो इनविजिबल जम्मू यानी कि मेट्रो तो है लेकिन दिख नहीं रही लोगों ने और लोग इमेजेस डालना यहाँ पर शुरू हो गया है। मैंने मेट्रो में सफ़र कर लिया यानी रात को सोए थे सुबह मेट्रो में जो झूठा लेकर आ गए क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब ने यह बयान दिया है कि मेंबर पार्लियामेंट साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो का जो काम है लगभग पूरा हो चुका है यहाँ पर शिलान्यास भी नहीं हुआ और लोग अब ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे उनसे कि सर बताइए मेट्रो चली तो चली कहाँ 2024 में ये बोला गया कि मेट्रो का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करते हैं अब किस तरह से करते हैं और क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको भी कहीं मेट्रो का स्टेशन मिले तो हमें भी कोई फ़ोटो और कमेंट भेज दीजिएगा ताकि हम भी ये देख पाएं। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।